केंद्रीय मंत्रियों को जो है इस बार टिकट दिया गया है, आप इसको किस तरीके से लेते हैं? ये भाजपा में घबराहट की निशानी है। लगातार आप शिवराज जी को और महाराज दोनों को घेर रहे थे, ऐसे में तीन केंद्रीय मंत्री आए हैं और वो भी कहीं ना कहीं सीएम पद के चेहरे माने जा सकते हैं, तो ऐसे में अब कांग्रेस की क्या स्ट्रेटजी रहेगी, क्योंकि आप लगातार शिवराज और महाराज को घेर रहे हैं। अब देखते हैं कौन किसको निपटाता है। मोदी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस जंगला का लोहा है, जहां भी सरकार उनकी रहती है वहां मिटा देती है। ये नरेंद्र मोदी जी किसी प्रधानमंत्री के कभी ऐसे वचन आपने सुने हैं क्या? इस प्रकार के भाषण कभी सुने हैं क्या? ये इतना एक निचले स्तर पर जाके ये बात करते हैं कि हमें इस बात का दुख होता है कि प्रधानमंत्री के पद की गरिमा को ये गिराते हैं। दिव्य जी, 2018 को जो जनादेश आपको मिला था, जो छीन लिया गया, इस बार कांग्रेस ने क्या खरीद लिया, क्या रणनीति है? आप कांग्रेस के लोगों को बिकने से कैसे रोकेंगे, क्या रणनीति है? ऐसा है, इस बार बिकाऊ माल को टिकट नहीं मिलेगा, टिकाऊ माल को मिलेगा। क्या व्यापक घोटाला कांग्रेस के मुद्दों में शामिल होगा? अंदर 100% 100% जो और जो व्यापम के घोटाले में बहुत सारे प्रकरण अभी भी पेंडिंग है, उनके चार्जशीट नहीं हुई है, उसके अंदर भी हम लोग सूक्ष्म जांच कराएंगे। लेकिन उनके आरोपी फिर टिकट की लाइन में भी है, ऐसे में कांग्रेस क्या स्टेप उठाएगी? कोई डायरेक्ट जो अपराधी उसमें रहा होगा उसको टिकट नहीं मिलेगा। अब कौन घबराया है, कौन नहीं घबराया है, ये पूरा जनता तय करेगी 60 दिन के अंदर। और जो कांग्रेस पार्टी की आदत बन गई है सपनों देखने की, और जिस कांग्रेस पार्टी को पूर्ण अच्छी तरह से विवरण प्रधानमंत्री जी ने कल मंच से किया, वो लोहा है जिसपे जंग लग गया है। आप चुनाव लड़ेंगे? वो कांग्रेस जो भी सपने देखते रहे, असलियत जनता उस कांग्रेस के सामने दोबारा रखेगी, जैसे बार बार जनता ने कांग्रेस के समक्ष रखा है। पार्टी का कार्यकर्ता मैं हूँ।